जब सूर्य आ जाता है जिस घर में, उस घर में प्रकाश हो जाता है और वो घर व्यक्ति का जागरूक हो जाता है, लोग उस घर से जानने लगते हैं। वही सूर्य एक ही घर को क्रियान्वित करता है, सब घर को नहीं। मूल्यांक भाग्यांक, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। कुंडली लगाने के बारे में बताता हूं, कुंडली को कैसे देखते हैं, ग्रिड कैसे देखते हैं। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है 1 से लेके 31 तक, उसे टोटल करके एक अंक में कन्वर्ट कर देते, 4923578 16, ये हमारा एक टेबल होता है। इसके अंदर हमें डेट ऑफ बर्थ को भरना पड़ता है। अब साउथ ईस्ट 4 नंबर, साउथ वेस्ट 2 नंबर, ईस्ट 3 नंबर और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट 7 नंबर, नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर, नॉर्थ 11 नंबर और नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर, इस तरह हमारा चार्ट। अब इन सज्जन की डेट 16 है। अब 16 है, 16/5/1974, 16 का मतलब क्या हुआ, 6 और 1 7। इनका मूल्यांक 7 आ गया और भाग्यांक इनका टोटल हमने करा तो भाग्यांक 5 4। हम ड्राइवर और कंडक्टर बोल देते हैं मूल्यांक या भाग्यांक, हमें अच्छी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, मूल्यांक और भाग्यांक बोलना चाहिए। इनकी सेल्फ डेस्टिनी 60% है। आज मैं इसको भी बता दूंगा डेस्टिनी कैसे निकालू, ठीक है, ये आज बता दो। अब मूल्यांक भाग्य निकालने की विधि, अब हमने किसी का मूल्यांक हमने कैसे निकाला, पहले निकाल दिया 6 और 1 7, भाग्यांक पूरा टोटल कर दिया, इसे खोलते हैं भाग्यांक। अब कुआ नंबर कैसे निकाल, हमारा कुआ नंबर क्या है, पहले ही जाए, हर व्यक्ति की घर की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर आप कहीं पे अपने घर के बाहर खड़े हैं, कोई आपको मारने के लिए आ जाए तो आप भाग के कहाँ जाएंगे, अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर। अगर हम, हमें कितनी भी परेशानी आए तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, हाय माँ। हमें कोई कष्ट हो जाता है, चोट लगती है तो माँ निकलता है मुंह से, जी निकलता है ना। तो इसी तरह से हमारा जिस सदी में जन्म हुआ है, 1217 7, 9 1 10 7 17 7 24, आपका आया 24। 24 का मतलब 6। अब देखिए, अब ये फीमेल का है, फीमेल में हम 4 जोड़ देते हैं, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 वन बराबर। और अगर यही मेल का होता तो 6 में हम 11 में से 6 लेस कर देते, ये कितना आ जाता, 5। समझ पा रही है, मेल के लिए 11 में से लेस करना है और फीमेल के लिए 4, फीमेल के लिए 4 को प्लस कर देंगे और मेल के लिए 11 में से माइनस कर देंगे। कुआं नंबर, जब जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हम हिंदू लोग हैं, हम ईश्वरवादी हैं, और मुसलमान लोग जो होते हैं वो अल्लाहवादी होते हैं, वो अल्लाह को नाम के मान के सारा कार्य करते हैं, और हम हिंदू लोग भगवान को मान के कार्य, तो वो सदी हमारा भगवान है, जहां हमारा जन्म हुआ, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, हमने मूल्यांक क्यों कहा, भाग्यांक क्यों कहा, डेट ऑफ बर्थ जो टोटल जुड़ गए वो भाग्यांक हो गया। तो जो हमारे सदी में जन्म हुआ है किसी का भी 1977, तो इसको हम कह सकते हैं कि इनकी जो डेट आई 24 आई, तो 9 1 10 7 7 24 6, और 6 में हमने 4 जोड़ दिया, 10, 10 में से 1, 1 कुआ नंबर। ये घर से जब भी निकले सोनल जी, आपको अपना काम करने के लिए, आपको क्या देखना है कि हरे पेन से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे 1 नंबर अपने हाथ पे लेके घर से बाहर, उससे आपका जीवन सफल होता रहेगा। जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं सार्वजनिक रूप से, तो हमें ऐसा तरीका अपनाना है जो जिससे सबके समझ में आ जाए, हमारे में नहीं, सबके, आपके फार्मूले से आपने समझा और उस फार्मूले से सबने समझा। सर, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसमें अभी जो ईयर चल रहा है 2022, उसको जोड़ देंगे पूरे को, जैसे मैडम का 1 फरवरी है तो 1+2+2022। सर 9 आ गया, उनका पर्सनल ईयर 9 हो गया, पर्सनल ईयर आया 9, और मेरा जो पूरा लाइफ पाथ जो है ना, कंडक्टर नंबर भी 9 है, इसका मतलब मेरे लिए ये साल अच्छा होगा। आप तो जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे करेंगे, पर्सनल ये आ रहा है 9,
पर्सनल मंथ आया 8, और 8 तारीख क्या है, 8 तारीख क्या है, 10, 8 10 तारीख है जी। तो आप इन्हें 10 का मतलब 1, 9 8 ठीक है, 17 और 1 18, 9 8 नौ 17 और आया, 1 18 क्या आया, 9, 9 नौ। तारीख आपके। अब मैंने क्या पूछा आपसे, 9 की तारीख कैसी है आपके लिए, तो अच्छी है सर आपने कल कहा कल का दिन अच्छा था। जी। पकड़ में आ रही है बात सबके, नहीं आ रही है? हाँ जी जी सर संध्या जी देख रहे हो आप कितना जी सर सशक्त हमारा गणित है, जी सर ज्योतिष न्यूमरोलॉजी का। अब संध्या जी वो सॉरी सोनल जी, अब आपका 9 आया है 18 तारीख और 27 तारीख पे, वो गौर करना कैसे गई, फिर आप बताना कि हाँ मेरी वास्तव में अच्छी गई है बुरी, ठीक है? आपको ठीक है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आपका पर्सनल ईयर मंथ पर्सनल डेट ये आपकी क्लियर, ठीक है? जी। अच्छा, अब हम आपको डेस्टिनी के बारे में बताएं, डेस्टिनी कैसे देखते हैं, सेल्फ डेस्टिनी। सेल्फ डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, ये आप सब लोग क्लास में भाग्यशाली हैं, जो दोबारा रिपीट हो जाता है तो आपको सीखने को मिल रहा है, ना ऐसे कोई पढ़ाता है और ना कोई किसी पर टाइम होता है, लेकिन हम ऐसा हमेशा करते हैं। वो लोग भाग्यशाली हैं जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो उनका सौभाग्य है, हम वो कहे किसी को। ये क्या होती है सेल्फ डेस्टिनी, ये ड्राइवर कंडक्टर मूल्यांक भाग्यांक से निकाली जाती है। इसका मतलब ये होता है मूल्यांक और भाग्यांक दोनों को देखें कि मित्र हैं या शत्रु हैं, उनके आधार पे हमारी सेल्फ दृष्टि निकलती है। अगर मित्र होते हैं तो अच्छे अंक आते हैं, सम होते हैं और अच्छे होते हैं, शत्रु होते हैं तो कम होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि शत्रु अंक होने से उस व्यक्ति के जीवन की जो व्यवस्था है अच्छी नहीं रहती, और मित्र अंक होने से उसके जीवन की व्यवस्था अच्छी रहती है। तो ये 81 युक्तियां होती है, सारा खेल इसी पर डिपेंड होता है। अब मूल्यांक और भाग्यांक को हमने कुंडली के अंदर भर दिया, उसके बाद हमने कुल डेटों भी भर दी, और उसके बाद जो भी अंक हमारी ग्रिड के अंदर मिस है उस ग्रह से संबंधित हमारे जीवन में परेशानी है, ठीक है? अब देखिए, एक नंबर सूर्य का, ये 81 युक्तियां हैं। महान व्यक्ति जल्दी मान जाता है और परेशान या नकारात्मक व्यक्ति बहस करता है, फर्क इन्होंने मान ली बात। एक नंबर सूर्य का होता है, सूर्य सर पेज नंबर बता दीजिए प्लीज, पेज नंबर 101, एक नंबर सूर्य का होता है। अगर किसी का मूल्यांक 1 है और भाग्यांक भी 1 है तो बताइए, दोनों राजा हैं जैसे नेचर है, तो उनका जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा? सर अच्छा होगा, मैं एक से समझा दूंगा, उससे आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। एक सूर्य उसकी डेस्टिनी 70%, एक सूर्य दो रानी, एक और दो पति पत्नी, जब कहीं किसी कार्य को करने के लिए चलेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, अच्छी क्यों होगी? क्या किसी काम को आप अपने पति देव के साथ कर जाती हैं करने के लिए तो आप क्या कहते हैं ऐसा होना चाहिए, पति देव कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो आपके विचारों में कोई फर्क होता है नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, बस एक राजा है दो रानी है, अगर पत्नी ससुराल जाती है, लड़की ससुराल जाती है, क्या वो जितनी अपने घर से संतुष्ट होती है जाते क्या वो इतनी संतुष्ट हो पाती है? एक सूर्य चार राहु, सूर्य भी तेज है और राहु भी तेज है, जब दोनों साथ होंगे दो व्यक्ति तेज होंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा? अगर पति पत्नी समझदार हैं पढ़े लिखे हैं तो उनका पारिवारिक स्थिति कैसी होगी? अब एक सूर्य है और साथ केतु, जब राजा किसी तरफते व्यक्ति के पास जाएगा जो अपने परिवार के लिए तरफ रहा है, उसके घर कोई मर गया है, तो वहां राजा का प्रभाव कैसा हो जाएगा?
वो भी दुखी हो जाएगा ना। एक सूर्य आठ शनि जब पिता पुत्र के घर जाएगा तो क्या स्थिति होगी पिता पुत्र। अब एक राजा है और नौ सेनापति है जी। जब राजा और सेनापति किसी काम पर जाएंगे तो वो काम अच्छा करके आएंगे ना। अंग्रेजी अक्षर के लिए निर्धारित चिल्ड्रन हिव चिल्ड्रन हर्बर पत्ति के अनुसार कीरो ने प्रत्येक अंग्रेजी अक्षर के लिए अंक निर्धारित किए हैं। ये अक्षरों के लिए अंक निर्धारित इस प्रकार है। अब मैं आपसे पूछता हूं ए, ए का मतलब एक और ई का मतलब फाइव आई का मतलब एक। इस तरह से अंकों को मतलब डी एच चार नंबर पांच नंबर वाई वन जेड सेवन इन्हें याद रखने के लिए इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसे आप इन अक्षरों को किस प्रकार लिख सकते हैं ये तो तरीका हमने हुआ ए टू जेड। अब इनके हमने फिर शॉर्ट फॉर्म बनाई ए आई जे क्यू वाई इनका मतलब होता है एक नंबर। अगर किसी व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और कोई व्यक्ति अपना नाम बताता है तो आप उसके नाम से जान जाएंगे इस व्यक्ति का नेचर कौन सा है। अब मैं जानना चाहता हूं हमारी क्लास में ए आई जे क्यू वाई कौन कौन है इन अक्षर के ए आई जे क्यू वाई इसका अर्थ एक नंबर का सूर्य से। अब आती है बात बी के आर कौन कौन है। अब आती है सी जी एल एस अंक होता है इसका संबंध सी जी एल एस सी जी एल एस ये व्यक्ति गुरु से संबंधित होते हैं तीन नंबर से संबंध रखते हैं। डी एम टी हमारी क्लास मैंने देखा जो डी एम टी है ये राहु प्रबल होते हैं। दीपक मंजू ममता त्रिलोकी नाम के राहु प्रबल होते हैं बहुत तेज होते हैं ये राहु प्रबल होते हैं। आप ये नोट करना आप इन नामों को अपने अपने घर में परिवार में नोट करना। वो ऐसे व्यक्ति अपने बारे में सोचते हैं अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता ठीक है। अब आप बात आती है ई एच एन एक्स ई एच एन एक्स ये आप ना ये इसकी एनालिसिस करना आप अपने घरों में परिवारों में मिलने वालों पर देखना कि कैसा नेचर है। अगर आपकी लगन होएगी तो आप बहुत आगे निकलेंगे। तो इसका मतलब होता है पांच नंबर बुध ई एच एन एक्स ये है बुध। यू वी डब्ल्यू ये है छह नंबर शुक्र प्रबल है। ओ जेड सात नंबर केतु प्रबल है। ई और पी इसका मतलब शनि है। और मंगल को नौ नंबर को हम क्यों नहीं जोड़ते कोई बता सकता है कोई बता सकता है। इसलिए कीरो जी ने देखा नाइन का कोई महत्व नहीं है इसलिए उन्होंने सैफरल जी ने नाइन को जोड़ के रखा और कीरो जी ने नाइन को हटा दिया कि ये यूजलेस है। जब हमारे शो में भाप के इंजन चलते प्रोग्रेस करी तो आज इलेक्ट्रॉनिक के या तेल के इंजन चलने लगे वो भाप वाले इंजन सारे बंद हो गए ना ट्रेनों के अंदर। नाम का संयुक्त ज्ञान करना प्रत्येक अक्षर के अंक के बारे में जानने के बाद किसी भी नाम को आसानी से अंकों में बदला जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि किस नाम के अंक को बदलने के लिए या उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल मूल नाम ही लेना चाहिए अथवा उसके प्रति उपनाम सरनाम नेम भी लेना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर यह है गणना करने के लिए किसी व्यक्ति का भी नाम उपनाम दोनों को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई अन्य ही नाम समाज में बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित हो गया है तो फिर उसे अति प्रचलित नाम को ही लेना चाहिए। किसी का नाम जो घर का नाम होता है फेमस हो जाता है तो उसे नहीं। ध्यान रखने वाली बात है नाम के साथ में लगाई जाने वाली उपाधि जैसे सर पद्मश्री वेदराज इंजीनियर डॉक्टर इंस्पेक्टर आदि की गणना करते समय प्रयोग नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के तीन नाम थे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी गांधी जी लेकिन इन तीनों नामों में से महात्मा गांधी नाम अधिक प्रचलित था और लोकप्रिय था।
अतः इस नाम को ही अंकों में बदलना उत्तम रहेगा। इसको अंकों में बदलने के लिए पहले इसे अंग्रेजी में लिखना होगा, फिर इसके अक्षरों को मूल्यों को सारणी देकर उन्हें जोड़ना होगा और इन अंकों में मूल्य निकाला जाएगा। अब इस नाम के अंकों में परिवर्तन करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा और गांधी। एम के अक्षर कितने थे? एक मिनट, तीन। एम के चार। अच्छा, चार। अब आप लिखिए महात्मा, एम ए एच ए टी एम ए, महात्मा गांधी लिख लीजिए अपने अपनी कॉपी में। मैं तरीका समझाए तो समझ आ जाएगा। एम के अक्षर आए चार, ए का अक्षर आया एक, एच का अक्षर आया पांच, ए का आया एक और टी का आया चार, एम का आया चार और ए का आया एक। इसका टोटल हो गया 20। 20 का मतलब क्या हुआ? दो नंबर। और गांधी का जो नंबर आया, जी का 3, ए का 1, 9, एन का 5, डी का 4, एच का 5, 1, आई का 1, इनका योग क्या 19। 20 और 19 39। अतः स्पष्ट है कि महात्मा गांधी का नाम संयुक्त 39 है। किसी व्यक्ति का नाम देवेंद्र सिंह है तो उनके नाम को हम कोई भी नाम है, 39 का मतलब क्या है? 9 3 12 12 का मतलब 2 3। महात्मा गांधी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे या नहीं? वो आध्यात्मिक थे और उन्होंने जीवन में लाठी नहीं उठाई और प्यार से ज्ञान से ही उन्होंने अंग्रेजों पे विजय प्राप्त करने का बीड़ा उठाया और कार्य। एक नंबर आता है महात्मा गांधी के का, तो हमने कर दिया। देवेंद्र सिंह का नाम संयुक्त रूप से 49 है, तो 9 4 और 13 9 1 4। तीन नाम का मूल्यांक, नाम का याद करना किसी नाम, अब उनका क्या है? चार नंबर। नंबर तीन, नाम का मूल्यांकन, नाम को याद करना किसी नाम के अंकों को मूल्य को दो अंकों में आता है जो नाम का संयुक्त कहलाता है। कभी कभी नाम का मूल्यांक निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब संयुक्त दोनों अंकों को जोड़ने पर जो अकेला अंक आता है मूल्यांक होता है। कभी कभी यह योग दो अंकों में आता है तो मूल्यांक निकालने के लिए इस योग के अंकों को जोड़कर मूल्यांक निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊपर के उदाहरण के नाम के अंकों में मूल्यांक संख्या का निकाल सकते हैं, अंकों का योग। जैसे 39 का मतलब आया 3। महात्मा गांधी जी का देखा हमने 39 और देवेंद्र सिंह का आया 49, तो उनका कितना आया मूल्यांक? 3। और 49 का कितना आया? 4, अंकों का योग। तो ऐसे उदाहरणों के नाम से अंकों के मूल्यांक निकालते हैं। तीन नंबर वाला गुरु प्रवृत्ति का होगा, चार नंबर वाला राहु की प्रवृत्ति का। नाम का अधिक से अधिक सुफल प्राप्त करने के लिए नाम के अक्षरों स्पेलिंग में परिवर्तन करने की परंपरा अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। विशेषकर फिल्म इंडस्ट्रीज में इसी प्रकार के अन्य प्रतिष्ठित व्यवसाय से जुड़े लोग तो इस प्रक्रिया में बहुत ही अधिक विश्वास करते हैं। हमारे देश भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म निर्माता सुभाष घई अपने प्रत्येक फिल्म में उस अभिनेत्री का को लेना पसंद करते थे जिसका नाम एम अक्षर से होता था, क्योंकि एम अक्षर का संबंध राहु से होता था और फिल्मी इंडस्ट्री जी का संबंध राहु से होता है, इसलिए वो एम अक्षर से नाम वाली लड़की को अपनी फिल्म इंडस्ट्री में रखते थे। प्रसिद्ध अभिनेत्रा गोविंदा का असली नाम गोविंद आहूजा था। उसने एक अंक शास्त्री की सलाह पर आहूजा शब्द हटाकर ए को गोविंदा शब्द में जोड़ दिया, इस प्रकार उनका नाम गोविंदा कर दिया, जो बहुत अधिक सफल हुई। यदि आप अपने नाम की स्पेलिंग बदलते हैं, अपना पूरा नाम भी बदल देते हैं तो इसकी सूचना सार्वजनिक करते हैं और अखबारों में देते हैं तो आपके नाम की एनर्जी की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, हमारी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकती, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, लेकिन हम अपने नाम को बदल के हम अपने डेट ऑफ बर्थ में आई हुई परेशानियों को ठीक करके, अपने नाम को ठीक करके अपने जीवन को सरल और उचित बना सकते हैं। 4 और 8 आ गया, 4 राहु 8 शनि, उनकी डेस्टिनी 0% है। 4 9 आ गया था, उसकी डेस्टिनी 0%। अब हमारे नाम की डस्टिनी 0% है, उसे तो हम नहीं बदल सकते, सॉरी हमारे मूल्यांक भाग्य। हम अपने
नाम को सही रख के जो फोर का और नाइन का मित्र है उसके ऊपर अपना नाम रख लेंगे तो हमारे नाम के रखने से हमारी डेस्टिनी अच्छी होगी। समझ गए मेरी बात को? फोर और नाइन का मित्र कौन है? फाइव। हम अपने नाम को फाइव पे ले आए तो हमारे जीवन में जो दुविधाएं आ रही है वो ठीक हो जाएंगी ना। अगर हमारे पैर में दर्द होता है तो हम गोली खा के दर्द को ठीक कर लेते हैं ना। जी सर जी। दर्द तो ठीक, दर्द तो होगा, दर्द जाएगा नहीं, लेकिन उसे ठीक कैसे करेंगे? गोली खाके। वो फोर और नाइन की डेस्टिनी जीरो है, लेकिन हम उसकी जीरो की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? अपने नाम को ठीक करके।